मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की विशेष टीम ने जिले में लूट की योजना बना रहे अंतर जिला गिरोह के 3 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से वैशाली जिले में लूटी गई चांदी भी मिली है। एसएसपी जैत कांत ने पूरे प्रकरण का उद्भेदन करते हुए बताया कि जिला पुलिस ने एक बार फिर से लूट की योजना को बना रहे अपराधियों को धर दबोचा है। देखिए मुजफ्फरपुर न्यूज संवाददाता अमन मोंटी की खास रिपोर्ट। वैशाली के गरौल थाना क्षेत्र से लगभग 10 लाख रुपए की चांदी के आभूषण, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की लूट करने वाले एक गिरोह का मुजफ्फरपुर पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 3 लोगों को 3 हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी ईस्ट को सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल मुशायरी थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक बड़ी लूट की घटना को वारदात देने वाले अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम ने 3 अपराधियों को हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनकी संलिप्तता वैशाली में हुए 10 लाख रुपए के जो चांदी के आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सामान जो लूटा गया था उसमें है। इस प्रकार पुलिस को एक बड़े गिरोह को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। थैंक यू। क्या बरामद है इनके पास में? इनके पास से कई जगहों पर, कई थाना क्षेत्रों में, ब्रह्मपुरा में, वैशाली में और मुजफ्फरपुर के बुशहरी थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और जो लूटे गए चांदी के आभूषण थे वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3 देसी कट्टों के साथ में बाइक और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। मुजफ्फरपुर में ये कोई लूट वगैरह की योजना? ये लूट के इरादे से यहाँ पर आए थे और जिसको ये अंजाम देने वाले थे उसकी तैयारी में थे, जिसमें डीएसपी ईस्ट की टीम ने इनको धर दबोचा। रहने वाले कहाँ के हैं करीब लोग? ये लोग रहने वाले इसमें से वैशाली के हैं और कुछ लोग यहाँ पर भी किराए पर रहते हैं। इसका पुराना कोई इतिहास है सर? इन लोगों का पहले का भी इतिहास रहा है और अभी हम लोग वैशाली की टीम से भी बात करके आगे जो वहाँ पे लोग अरेस्ट हुए हैं उनके साथ में उनका इंट्रोगेशन होगा, जिससे आगे के मामलों का भी खुलासा हो सकता है। कटरा में भी सर एक गिरफ्तारी है? कटरा में भी एक गिरफ्तारी है। कुछ दिन पूर्व लगभग 1 महीने पूर्व कटरा थाना क्षेत्र में एक क्रिमिनल ने बाइक और कुछ अन्य सामान लूटा था एक सीएसपी संचालक से, जिसमें पहले पूर्व में 2 अरेस्टिंग की गई थी। इसके अलावा एक व्यक्ति जो कि भाग गया था।